फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज 5% का लोअर सर्किट लग गया, लेकिन फ्रेंड उसके पहले बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। जैसे कि मैंने कहा था कि ये 20 तक जा सकता है स्टॉक, तो बिल्कुल आज ये 19.5 से रिटर्न हुआ है, करीब 19.30 से इसे वापस रिटर्न किया और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। फ्रेंड्स, 13.5-14 रुपये से स्टॉक ने जब मूव करना शुरू किया तो ये बराबर 19.30 तक गया, तो बहुत बड़ी तेज़ी बनी है, लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला और इस वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, इसमें सर्किट की लिमिट भी कम कर दी गई है और इस वजह से आज इसमें लोअर सर्किट लग गया। लेकिन इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक अब थोड़ी समय के लिए फिर से करेक्शन के दौर में रहेगा, लेकिन वहाँ से फिर से एक भयंकर बड़ी तेज़ी के लिए आगे दौड़ेगा। तो क्या है आगे संभावनाएं, क्या इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में अभी भी हमें रुकना चाहिए? क्या ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर स्टॉक है जो आने वाले समय में हमें मालामाल कर सकता है? क्या है भविष्य ट्राइडेंट लिमिटेड का? साथ में फ्रेंड्स, ऊर्जा ग्लोबल के अंदर आज अपर सर्किट लग गया। एक तरफ बाजार में करीब 500 पॉइंट की गिरावट थी, उसके बावजूद भी ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक में अपर सर्किट लग गया और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। तो ये सिग्नल क्या है? क्या ऊर्जा ग्लोबल में अब भयंकर तेजी बन जाएगी या फिर वापस स्टॉक नीचे आ जाएगा? तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे, दोनों स्टॉक के टेक्निकल लेवल भी चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावना बन रही है दोनों स्टॉक में और क्या वाकई में ये दोनों स्टॉक है जो आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं, क्या दोनों रियल में मल्टीबैगर स्टॉक है। सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 19.15 पर और इसने हाई बनाई है 19.30 की, यानी करीब 10% के आसपास ये स्टॉक गया और वहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और ये लो में चला गया 17.50 के, यानी 5% के लोअर सर्किट पे। लगातार इसमें तेजी बन रही थी, इसलिए इसका जो 10% का सर्किट था उसको घटा के 5% का सर्किट कर लिया गया था और आज ये लोअर सर्किट लग गया। और इसमें फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि सर्किट की लिमिट 5% हो गई है और इस वजह से ज़बरदस्त तेज़ी बनने की वजह से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और इसी वजह से ये लोअर सर्किट लगाए। इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश बन रहा है और बड़ी तेज़ी बना सकता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग का मामला बनेगा तो प्राइस और थोड़ी नीचे जा सकती है, लेकिन फिर वहाँ से ये जब मूव करेगा तो अब की बार ये 20 के पार जा सकता है। सारी संभावनाएं बन रही है। एक बार हम इसके वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। आज वॉल्यूम बहुत ही अच्छा हुआ है। BSE में 1,83,93,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,05,21,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 57.20%, बहुत ही बड़े भारी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हुआ है, लोग अच्छा माल उठा रहे हैं। इसमें NSE की बात कर लेते हैं, 7,70,93,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,29,03,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 42.68%, तो बहुत ही अच्छा NSE में भी कामकाज हुआ है। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिस करेंगे। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, बहुत ही ज़्यादा पूरे महीने में सबसे भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ, जबकि लोअर सर्किट लग गया था। अगर ये सर्किट नहीं लगता तो और वॉल्यूम बढ़ सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइडेंट लिमिटेड में लोगों की खरीदारी बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आगे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। फ्रेंड्स, एक बार इसके टेक्निकल लेवल भी चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेली लेवल को चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश बन के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बुलिश बन रहा है, मतलब आने वाले 1 से 2 दिन में अभी इसमें तेज़ी जारी रहेगी। ये सर्किट हटते ही फिर इसमें तेज़ी की संभावना बनने लग सकती है। वीकली लेवल को देख लेते हैं, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश है, इसका मतलब वीकली लेवल पर भी इसमें तेज़ी ही तेज़ी दिख रही है। अब इसके मंथली लेवल को चेक करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है फ्रेंड, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहा है, इसका मतलब पूरे महीने तक इसमें तेज़ी की ही संभावना बन रही है। तो फ्रेंड, जैसे ही मौका मिले आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इसमें अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि काफ़ी अच्छी इसमें तेज़ी बनी है। ये 13.50 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है, बराबर 19.5 तक गया है, करीब 5 रुपये के आसपास इसमें तेज़ी बनी है। तो फ्रेंड्स, 5-6 रुपये की तेज़ी के बाद में लाजमी है इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा,
तो स्टॉक फिर से आपको अगर ये 15 से लेकर 16 के आसपास मिले तो इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ से स्टॉक अब दौड़ने के लिए तैयार है, 15 के ऊपर स्टॉक अभी मूव करेगा और यहाँ से आगे और अब की बार नई तेज़ी बना सकता है और इस बार ये 20 से पार होगा तो ये 25 से लेकर 30 तक भी जा सकता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा है कि आने वाले 1 से 2 साल का इसका टारगेट 100+ का है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आएगा बहुत जल्द, इसमें 100+ आपको देखने को मिलेगा, यानी ये 3 डिजिट में स्टॉक जाएगा। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय में ये आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है। इसमें आप निवेश करके रखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपनी का कारोबार करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, यूनिक है। ऐसी हिंदुस्तान में बहुत कम कंपनियां हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए कारोबार करती है और लगातार अपने शेयर होल्डर का ध्यान रखती है, अपने निवेशकों का ध्यान रखती है, और कंपनी के पास इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो बहुत अच्छी काम करने वाली कंपनी है और लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है, ऐसी कंपनी पर तो हमें विश्वास करना ही चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड हम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। आज एक तरफ बाजार में भयंकर गिरावट थी, सेंसेक्स में 48,690 का आज स्तर देखा है हमने, करीब 471 पॉइंट की गिरावट हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊर्जा ग्लोबल में तेजी बनी। आज कारोबार देख लेते, पहले स्टॉक ओपन हुआ 6.70 पर, इसकी हाई है 6.80 की और लो था इसका 6.50 का, यानी ये 6.80 की अपनी 5% अपर सर्किट के साथ में ये इसने क्लोजिंग दी है, तो बहुत ही शानदार काम हुआ है इसमें और यहाँ से तेजी का माहौल बन रहा है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपको पता ही है, ऊर्जा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी का काम करती है, यानी बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के पास लगातार पूरी एक श्रेणी है सोलर प्रोडक्ट की, जैसे सोलर लैंप बनाती है, सोलर बैटरी बनाती है, सोलर इन्वर्टर बनाती है, सोलर पैनल बनाती है, और ई रिक्शा की बैटरी है, कार की बैटरी है, बहुत सारे प्रोडक्ट है दुनिया भर के। फ्रेंड्स, लगातार ऐसे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी जिनका आगे बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ा कारोबार है। सबसे बड़ी बात तो स्ट्रीट लाइट का कामकाज है फ्रेंड, वो बहुत बड़ा कारोबार है और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल जिसके पास स्ट्रीट लाइट का कामकाज है, और आने वाले समय में इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत छोटा एक पेनी स्टॉक है, लेकिन ये आपको मालामाल कर सकता है। एक बार हम इसकी वॉल्यूम को एनालिस करेंगे फ्रेंड। पिछले एक महीने पहले इसका 19 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 40 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 45 लाख का वॉल्यूम था, आज इसका 76 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो एक महीने से लगातार इसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्टॉक। 19 लाख से 40 हुआ, फिर 40 से 45 और अब सीधा डबल यानी 76 लाख रुपये का कारोबार हुआ, तो बहुत बड़ी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरीके से स्टॉक में माहौल बन रहा है। एक बार इसकी परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं, 29.24% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले एक महीने में 12.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 ने 2.7% का ही रिटर्न दिया है। तो बहुत ही अच्छा इसने इस महीने में रिटर्न दिया है, करीब 12.5% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक में बहुत ही शानदार तेजी का माहौल बन रहा है। एक बार इसके टेक्निकल लेवल को भी देख लेते हैं, पहले डेली लेवल पर चेक करते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है, इसका मतलब माहौल तेजी जैसा दिख रहा है। अब चलेंगे हम इसके वीकली लेवल पर, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल, तो इसका मतलब आने वाले एक सप्ताह के अंदर हो सकता है थोड़ी सी डाउनफॉल भी आ सके, लेकिन माहौल तेजी जैसा ही दिख रहा है। अब इसके चलेंगे मंथली लेवल पर, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहा है, मतलब आने वाले महीने में तो डेफिनेटली इसमें शानदार तेजी बनेगी और स्टॉक बहुत आगे दौड़ सकता है। और बिल्कुल ये स्टॉक भी आपको मल्टीबैग रिटर्न देने वाला स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड। ट्राइडेंट लिमिटेड के बाद में सेकेंड स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल, जो बहुत ही अच्छा पावर सेक्टर में काम करने वाला एक स्टॉक है, जो फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में यानी पेनी स्टॉक की श्रेणी में आने वाला स्टॉक है, लेकिन यह मालामाल करने वाला स्टॉक है। इसका भविष्य उज्जवल है क्योंकि ये कारोबार करती है ग्रीन एनर्जी का है और सरकार पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है ग्रीन एनर्जी को, तो आने वाले समय में इसका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है और इसकी वजह से हमारा भविष्य भी उज्ज्वल हो सकता है अगर हम इसमें निवेश करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह एक पेनी स्टॉक है, तो निवेश करने से पहले ध्यान रखें कि निवेश उतना ही करें कि अगर उसमें लॉस भी हो जाए तो हमें ज़्यादा चिंता न हो, तो ऐसा सोच के ही हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उसका भविष्य उज्ज्वल लग रहा है। ट्राइडेंट लिमिटेड तो डेफिनेटली अभी पेनी स्टॉक की श्रेणी में नहीं आता है, बहुत ही शानदार स्टॉक है वो और बहुत ही अच्छा उसका कामकाज है। आने वाले समय में वो तो हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है, क्योंकि मैंने ट्राइडेंट लिमिटेड को करीब 6 रुपये के आसपास की प्राइस थी जब ऊर्जा ग्लोबल के बराबर, उस समय से हम ट्राइडेंट लिमिटेड पर वीडियो बनाते हैं और मैंने लगातार खरीदारी के लिए बोला है, तो 6 रुपये से स्टॉक 19.5 तक पहुंच गया, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया स्टॉक ने और अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। लेकिन आप अपने हिसाब से फ्रेंड सोच समझ के ही काम करें, क्योंकि फ्रेंड मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।